मनचाहा करियर बना सकते हैं और पूरी दुनिया भी आराम से घूम सकते हैं। यदि पृथ्वी पे लोग अमर हो जाते हैं तो आपने जो गलतियां की हैं उन्हें सुधार सकते हैं। हमारे समाज की आधी स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो जाएंगी, दवाओं का हॉस्पिटल्स का कारोबार बंद हो जाएगा और समस्त जग का जीवन बदल जाएगा। क्या हम इंसान जीने से ऊब नहीं जाएंगे? अमर रहने की सौगात सिर्फ मूवीज पर ही अच्छी लगती है, पर सबसे पहली चीज है अमरता का तरीका कैसे हासिल होगा। यह वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला है और इस डर से आम दुनिया से छुपा कर रखा है। मुमकिन हो सकता है क्योंकि इसके शुरुआती नतीजे युद्ध को बढ़ावा दे सकते हैं, पर सिलिकॉन वैली में बायोटेक कंपनियों की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इजाद किया जा चुका है। इंसानों पे नहीं बल्कि मक्खियों, चूहों और कीड़ों पर नतीजे गजब के थे और असरदार भी, पर इंसानों पर ये लागू नहीं हुआ, ऐसा खोजकर्ता कहते हैं। शायद कोई राज छुपाना होगा या हो सकता है कि इंसानों पर भी ये प्रयास सफल हो, पर सवाल ये है कि इंसानी नस्ल इसके लिए तैयार है। इस ग्रह पर हम 8 बिलियन हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर अमरता मिलती है तो जीवन की शक्ल बदल जाएगी। एक लंबे वक्त तक आप किसी के साथ शादी करके जी नहीं पाएंगे या फिर पेंशन की सेवाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि आप 65 नहीं 500 साल तक जिएंगे। ऐसे में आपको पेंशन देगा कौन? या फिर हम इसी पिछड़े समाज में फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि किसी देश को चलाने वाले भ्रष्ट नेता कभी मरेंगे ही नहीं। फिर युवाओं का क्या होगा, क्योंकि धाक जमाए लोग अपनी नौकरी या अपनी पोस्ट पर बने रहेंगे और युवाओं को कभी नौकरी मिलेगी ही नहीं। भारत जैसे देश में ये समस्या बिना अमरता के पहले से लागू है, क्योंकि भारत के नौजवान बेरोजगारी काट कर ही आधी उम्र काट चुके हैं। लाजमी है ऐसी और भी समस्या इंसानों को फेस करनी पड़ेगी। लोग अमरता को देख अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर जीने चले जाएंगे, ये सोचकर कि सब अमर हैं। दुखियों का समूह बढ़ जाएगा और इस तरह संसार को कोई लाभ नहीं मिलेगा सिवाय भीड़ के, और अब अचानक अमरता का वरदान महान नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।